ये वही देश है जहां 1998-99 के आसपास गणेश की मूर्तियां दूध पीती थी। तब तो सोशल मीडिया नहीं था और पूरे देश में लोग दूध लेकर के मूर्तियों को पिलाने चले गए थे। अब मैं पूछूंगा, कम से कम बिहार में हूं तो पूछ ही लेता हूं कि आजकल प्यास नहीं लग रही क्या? हमारे खेमे वाले लोगों की सरकार है, लेकिन अगर आपके यहां शिक्षा में 5 साल अगर 3 साल वाली डिग्री में लग रहा है तो यह गड़बड़ है और हम इसकी भी आलोचना आपकी करेंगे। अगर आप SC ST OBC के फेलोशिप कम करेंगे तो हम आपकी आलोचना करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, जो भोपाल वाला एक बाबा आया था पिछले दिनों कि आपका बेटा अगर 8वीं में एग्जाम देने जाए, पढ़ाई न किया हो, तो बेलपत्री पर शहद लगाकर शिवलिंग पर लगा दीजिएगा, वो पास हो जाएगा। ये बताइए काम आसान है कि नहीं? ये तो बहुत आसान काम है ना, और बच्चों को भी लगेगा कि पढ़ने की क्या जरूरत है, एक बेलपत्री निकाल के किताब के बीच में लगा लेंगे। लेकिन उसी के कुछ दिन बाद अखबार में जब खबर छप गई कि उसी कथावाचक का अपना बेटा 8वीं में फेल हो गया, तब तो कम से कम इस देश को जागना चाहिए कि अगर हिंदू राष्ट्र हकीकत बनता है तो वो इस देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। हिंदू कुछ भी कह ले मगर हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता, बंधुता विरोधी है, वो लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है। इसलिए किसी भी कीमत पर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनने से रोका जाना चाहिए। कि एक महिला जब राम मनोहर लोहिया के पास गई, कहीं भारत आजाद हुआ, आप सब लोगों को तो बहुत कुछ मिल गया, हमें क्या मिला? उन्होंने कहा कि ये नेहरू इतने टाइम जाते हैं वहां, वो जाते समय उनका कॉलर पकड़ के सवाल पूछना, और उस किस्से में ये दर्ज है कि उस महिला ने जब कॉलर पकड़ा कि आप तो प्रधानमंत्री बन गए, आजाद हुआ देश, तो हमें क्या मिला? उन्होंने कहा कि तुम्हें ये मिला कि तुम अपने प्रधानमंत्री के कॉलर पकड़ सकते हो। अब वही देश आजाद होकर के यहां तक पहुंच गया है कि आप अपने प्रधानमंत्री की आलोचना कर दीजिए, आप पे NSA लगाकर जेल में भेज दिया जाएगा, और अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपके घर पे बुलडोजर चल दिया जाएगा। बिहार के लोगों, आपकी सरकार आपके वैचारिक लोगों की, फिर भी मैं एक बात कहके जा रहा हूं, पूरे बिहार में जन आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है, जाति जनगणना और सामाजिक न्याय का आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है, ताकि बिहार की सरकार पर भी आप दबाव बनाइए और दिल्ली में ऐसी सरकार चुनिए जिस पर दबाव बना के अपने मन मुताबिक काम कर सके। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहीं ऐसा न हो कि तो हम सबकी आपसी लड़ाई का फायदा वही उठा ले जाए जिसका एक दूत अभी बाबा बनकर आया है पटना में रैली करने। किस्मत बताएगा, टीवी पर बैठकर लोग चमत्कार घोषित करेंगे, पटना के अखबार में कल पढ़िएगा वो आज ही ये बात कहकर जाएगा कि इसे अखंड भारत बनाना और हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये भारत के संविधान की हत्या है और ऐसे हत्या करने वाले लोगों को हम सिरे से खारिज करते हैं, तब हम कहेंगे कि हम बिरसा, फुले, अम्बेडकर और पेरियार के। ये अंधविश्वास इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पीछे से आपकी शिक्षा, आपकी नौकरी, आपका बैंक, आपका विश्वविद्यालय बिक गया है और आपके बच्चे अब तार्किक बौद्धिक नहीं पैदा होंगे, तो जो अपड़ कुपड़ भीड़ होगी वो अंधविश्वास की तरफ नहीं जाएगी तो क्या जाएगी? ऑल इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, SC ST OBC एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, बिहार के आप सभी आयोजक साथियों और इस सभागार में मौजूद आप सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद है। आज बैंक कर्मचारी संगठन की ओर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है और आज बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए देश भर से तमाम तरह की आवाज़ें, उत्सव, जश्न इस देश ने देखा है। आज तारीख है 13 मई और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती होती है 14 अप्रैल को। दुनिया भर में
बहुत बड़े लोग हुए, बहुत बड़े दार्शनिक, विचारक, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता, नेता, और दुनिया में अलग अलग वक्त में अलग अलग जगह से बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ अच्छा किया कि ये जैसी भी जितनी भी अच्छी दुनिया हमें मिली है उसे हम जी रहे हैं। लेकिन मुझे दुनिया भर के इतिहास में और कोई दूसरा शख्स ऐसा नहीं दिखाई देता जिसकी जयंती महीनों मनाई जाती हो और देश और दुनिया के कोने कोने में उन्हें याद किया जाता हो, ऐसा कोई दूसरा नहीं। बहुत बड़े लोग हुए, उनमें से बहुत सारे लोगों को तो दुनिया ने भुला दिया, बहुत अच्छे लोगों को भी दुनिया ने भुला दिया, बहुत थोड़े से लोगों को लोग याद करते हैं, और उनमें से भी जिन्हें हम याद करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, हम जैसे लोग जब पढ़ना सीखना समझना शुरू किए तो हमें ये पढ़ने समझने को मिला कि ऐसा नहीं है कि हर दौर में बाबा साहब को इसी शिद्दत से याद किया जाता रहा। आप सारे लोग जब हमें मंच पर यहां सम्मानित कर रहे थे और अधिकांश लोग जो इस सभागार में मौजूद हैं, हम शायद इसके पहले नहीं मिले थे, हम जानते भी नहीं एक दूसरे को, सोशल मीडिया है जिसकी वजह से परिचय बना। लेकिन ज्यादा बड़ी बात क्या है, जब भी ऐसे किसी मंच पर बुला करके कोई अपरिचित लोगों का समूह हमें सम्मानित कर रहा होता है तो मेरे जहन में एक सवाल आता है कि मैं जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के आजमगढ़ जैसे एक बेहद सामान्य से जिले का व्यक्ति जो गाय भैंस चराया करता था बचपन में, उसे जीवन के शुरुआती दिनों में एहसास ही नहीं था कि दुनिया कितनी बड़ी है, क्या है। वो बचपन में कविता आप लोगों ने भी सुनी होगी, वो चिड़िया पर एक कविता है कि सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार, जब मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब जाकर मैंने ये जाना इतना सा ही है संसार, और जब मैं उड़ी आसमानों में अपने सारे पंख पसार, तब जाकर मैंने ये जाना बहुत बड़ा है यह संसार। तो हम सारे लोग अपने किसी घोंसले में बहुत सामान्य सा जीवन जीने की शुरुआत से आगे बढ़े, अंदाजा ही नहीं था कि कभी ऐसा दिन आएगा कि देश भर के कोने कोने से हमारे जैसे बेहद सामान्य पृष्ठभूमि के किसान कामगार तबके से आने वाले किसी नौजवान को इस तरह से मंच पर सम्मानित किया जाएगा। तो जब भी ऐसा कोई लम्हा आता है मेरे भीतर ये महसूस होता है कि इन सारी चीज़ों की वजह अगर कोई केंद्र में है तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसा ही कोई नायक था जिसकी वजह से ये ज़मीन बनी और हम लोगों को सम्मान मिलता। वो सम्मान, वो कई बार होता है ना, ये सम्मान कई बार अहंकार पैदा करते हैं लोगों को, या हमें भी, किसको नहीं अच्छा लगता, कौन नहीं चाहता कि वो महानायक बन जाए, क्या क्या बन जाए, मगर ये बहुत मुश्किल से कोई किसी को सम्मान देता है आज के वक्त में। तो जब भी ऐसा कोई सम्मान मिलता है तो मुझे लगता है उसके केंद्र में, उसकी जड़ में कोई एक चीज है, तो वो है भारत का संविधान। क्योंकि इंसान तो इस दुनिया में, विज्ञान की अगर बात करें, आज जब मैं आ रहा था, ओम प्रकाश जी गए हुए थे हमें एयरपोर्ट लेने, तो उन्होंने कहा कि सर थोड़ी देर हो रही है। वो क्या है ना कि एक कोई बाबा आपके ही ठीक पहले यहाँ आए हुए थे,
और उसकी वजह से रोड वोड बंद किया गया है, बड़ा ट्रैफिक लग गया है। मैंने कहा चलो मेरे आने के पहले बाबा गुजर गए, मैं गुजरने का एक ही अर्थ दे रहा हूँ और कोई अर्थ नहीं है, मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, वो गुजर गए। तो फिर अब सवाल इस बात का है कि ये जो कुछ भी ऐसा है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारे लिए क्या अहमियत रखते हैं? दुनिया में विज्ञान कहता है कि हजारों साल से इंसान पैदा हुए, इंसान के रूप में गुजर गए। फिर कुछ इंसानों को ये बात अच्छी नहीं लगी कि इंसान इंसान के रूप में पैदा होते और इंसान जैसे ही रह जाते। फिर सवाल इस बात का आया कि उन्होंने इंसान को इंसान से बांटने के लिए जातियां बना दी, जातियां बना दी। अब जातियों के बनाने के बाद हुआ क्या? लोग पैदा इंसान के रूप में हुए, लेकिन फिर थोड़े से लोगों ने अपने को इंसानों से ऊपर बना दिया कि हम भाई धरती पर उनके अवतार हैं, उनके दूत हैं। और ढेर सारे लोगों को इंसान से भी बदतर जानवर जिस तरह से जीवन जीने पर मजबूर होते हैं, उससे बुरी हालत में रखने के लिए कुछ व्यवस्था बनाने की कोशिश की, साजिश की, बंटवारा कर दिया इंसान इंसान का। और मैं जब आपके हवल में आया और दीवारों पर लगे इन तस्वीरों को देखा, मंच पर लगे इस बैनर को देखा, मुझे खुशी हुई कि आप भले ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं, लेकिन आपने इन दीवारों को, अपने बैनर को, बिरसा फूले अंबेडकर, पेरियार, शाहू, ललई सिंह यादव, रविदास जी से लेकर के जगदेव बाबू, सबको याद किया है। ये साझापन ही बहुजन विरासत है, ये है आइडिया ऑफ इंडिया, जिसमें सब एक वैचारिक रिश्ते से बंधे हुए लोग, ये सारा ये सब मिलकर एक विचार होते हैं। और तब मैं उस इतिहास को याद करता हूं कि जो इंसान पैदा तो होते थे इंसान के रूप में, लेकिन बंटवारा ऐसा हो गया कि वो इंसानों से भी बदतर स्थिति। और इन सारे लोगों के बाद मैं फिर से डॉक्टर अंबेडकर को इस रूप में याद करता हूं कि उन्होंने इस मुल्क को एक ऐसा संविधान, एक ऐसा आईन बनाकर दे दिया कि अब भारत में संविधान लागू होने के बाद से लोग इंसान के रूप में पैदा भी होते हैं और इंसान के रूप में जीते भी हैं, और इंसान को इंसान के बराबर का दर्जा भी मिला हुआ है। इसलिए मैं डॉक्टर अंबेडकर को आइडिया ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा नायक मानता हूं। तमाम तरह के बंटवारों के खिलाफ समानता का पाठ पढ़ाने वाले विचारक को हम याद करते हैं। और वो समानता का पाठ क्या है? डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाना। और अभी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया हमारे पूर्व के वक्ता ने कि जयंती नहीं, जागृति का कार्यक्रम है। बहुत सारे लोग अलग अलग लोगों की जयंती मनाते हैं, लेकिन हम जब डॉक्टर अंबेडकर को याद करते हैं, या इस देश का कोई जागरूक व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर को याद करता है, तो असल में वो एक जयंती जागरण का कार्यक्रम है, जगाना है लोगों को। और डॉक्टर अंबेडकर को याद करना दरअसल उनके विचारों को याद करना है। बाबा साहब ने यूं ही नहीं कहा होगा कि मुझे मूर्तियों में मत ढूंढना, मैं तुम्हें किताबों में मिलूंगा, विचारों में मिलूंगा। और आज भी हम ये बात कबूल करते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियां बनी तो वो तथागत बुद्ध की बनी, और दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियां तोड़ी गईं तो वो डॉक्टर अंबेडकर की तोड़ी गईं। इससे आप इस बात की अहमियत को समझिए, जो डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति से डर जाते हैं वो उनके विचारों के सामने कितना बड़ा खतरा महसूस करते होंगे, इसलिए वो डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ खड़े। हमारा खौफ उनसे पूछो जो हमारे पुरखों की मूर्तियों तक से घबरा जाते हैं। और मैं तो उत्तर प्रदेश का हूँ भाई, बिहार जब भी आता हूँ तो मुझे लगता है कि एक वैचारिक संघर्ष की ज़मीन है बिहार। बिहार को जब भी मैं याद करने की कोशिश करता हूँ
तो बहुत लंबी विरासत के बाद यहां त्रिवेणी संघ की विरासत मिलती है। 90% लोगों की बात करने वाला त्रिवेणी संघ, उसे बदनाम किया गया बहुत दिनों तक कि वो तीन जातियों का संगठन है और उसके खिलाफ बहुत सारा काम हुआ, लेकिन उसके बाद वो परंपरा, वो विरासत, आइडिया ऑफ इंडिया क्या है भाई, किसी देश को अलग रूप में देखा जाए लेकिन भारत को, भारत कहने का मतलब किसी तस्वीर पर खींच दिए गए नक्शे के बीच आने वाला भूगोल और उसके बीच में आने वाली कुछ जनसंख्या भारत नहीं है। भारत का होने का मतलब इस देश के लोगों का है। आइडिया ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? आइडिया ऑफ इंडिया का मतलब मेरे लिए तथागत बुद्ध के विचारों का एक देश, और देश ही नहीं, बुद्ध को जब भी मैं याद करता हूं, बिहार की जमीन, बिहार की जमीन पर बुद्ध को याद करने का अर्थ यह है कि हम अपनी एक ऐसी वैचारिक जड़ को याद करते हैं जो उन लोगों के भी काम आ जाते हैं जो भारत में तो बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़े रहते हैं लेकिन विदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि हम युद्ध के देश से नहीं, बुद्ध के देश से आए हुए हैं। और तथागत बुद्ध का मतलब मेरे लिए प्रज्ञाशील करुणा है, वैज्ञानिक चेतना है, समानता है, न्याय है, सत्य है, अहिंसा है, और इंसानियत को इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाला दुनिया का एक ऐसा विचारक जिसकी खूब मूर्तियां उसकी भी तोड़ी गई, उनके भी खिलाफ युद्ध छेड़ा गया, उनको भी खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि दुनिया में शुरुआती सबसे प्रमुख लोगों में अगर आइडिया ऑफ इंडिया को याद करेंगे, आइडिया ऑफ वर्ल्ड को याद करेंगे, तो वो तथागत बुद्ध के बिना शुरू ही नहीं हो सकता। और इसलिए बिहार की जमीन पर हम अपनी विरासत को याद करते हैं, और वो विरासत त्रिवेणी संघ और उसके बाद अर्जक संघ हमारे उत्तर प्रदेश में काम करता था। बिहार की जमीन, बिहार लेनिन के नाम से जाने जाने वाले, उन्हें भारत लेनिन की तरह याद किए जाने वाले जगदेव बाबू की जमीन है। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। एक एक ऐसा ख्याल, बिहार लेनिन जगदेव बाबू कहते थे कि अगर कार्ल मार्क्स भारत में पैदा हुए होते तो वो वर्ग संघर्ष के बाद वर्ण संघर्ष की बात करते, असल में भारत का कम्युनिज्म बिना जाति को एड्रेस किए पूरा होने का संभव ही नहीं। और इसलिए बिहार लेनिन जगदेव बाबू सामंतियों की आंख में चुभते थे। और उस बिहार की जमीन पर जहां उनके साथ इस बेरहमी से उनको मारा गया, उस अर्जक संघ में शोषित दल, समाज दल मिला करके जब बना शोषित समाज दल, उस आंदोलन को मैं याद करता हूं। बिहार की जमीन पर कर्पूरी ठाकुर जी को याद करता हूं, और उन लोगों को केवल इसलिए, आप जानते हैं और इस इतिहास को बार बार कहे जाने की जरूरत है कि जब आरक्षण की लड़ाई लड़ी गई तो दिल्ली जहां से मैं आया हूं कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है, क्योंकि वहां बहुत खराब लोगों का कब्जा है। कब्जा मींस केवल दिल्ली की कुर्सी पर बैठ करके कब्जा नहीं होता कि कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई गृह मंत्री बन गया, एक बौद्धिक कब्जा भी होता है। देश के बड़े बड़े अकेडमिक इंस्टीट्यूशन, दिल्ली विश्वविद्यालय, JNU, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, और जिनकी पैदाइश है हम, उन इंस्टीट्यूशन से लेकर के बौद्धिक जगत में जिनका कब्जा है, जो लोग कलम पर कब्जा किए हुए थे, उन्होंने नारे बनाए कि दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। अभी बात हो रही थी कि OBC क्यों नहीं याद करता बाबा साहब को, तो मेरा मन करता है कि कभी कभी OBC समाज को हर जगह ये बात याद दिलाई जाए कि वो उत्तर प्रदेश में एक OBC मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव, बिहार में एक OBC मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर,
और दोनों ओबीसी थे और दोनों को गाली दी गई बाकायदे यह कहते हुए कि बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। आरक्षण कहाँ से आई और माँ बहन की गाली दी गई कर्पूरी ठाकुर को। तो इससे हो सकता है धीरे धीरे ओबीसी को ये बात समझ में आएगा कि हमारे साथ भी किस तरह का अपमान जलालत झेलना पड़ा। बिहार की जमीन पर एक और नाम मुझे याद आता है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यानी बीपी मंडल का। और वो किस्सा जब मैंने पढ़ा कि बिंदेश्वरी प्रसाद जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो गंगा में जल यातायात होता था, तेल रिस गया, आग लग गई, विधानसभा में एक शख्स खड़ा होकर बोला कि अगर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक शूद्र बैठेगा तो गंगा में आग नहीं लगेगी तो और क्या होगा। बीपी मंडल साहब खड़े हुए, जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि देखो गंगा में तो आग लगी है तेल रिसने से, लेकिन हमारे लोगों के आगे बढ़ने से तुम्हारे सीने में जो आग लगी है अभी मुझे इसे और भड़काना है ताकि हम एक बेहतर मुल्क बना पाए। और वो भी ओबीसी थे। और वहाँ से होते हुए अब मैं उत्तर प्रदेश के, हमारे एक पूर्व मुख्यमंत्री थे, बहुत सम्मान के साथ मैं ये याद दिला रहा हूँ कि उनके जाने के बाद जब उनका घर गंगा जल से मुख्यमंत्री आवास धुलवाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कबूल किया कि अब तक तो हम अपने को फॉरवर्ड समझते थे, ये बीजेपी वालों ने हमको बैकवर्ड घोषित कर दिया। और अब वो भी कम से कम ये बात समझ रहे हैं कि ओबीसी होने के बाद भी उनकी नज़र में आपकी अहमियत क्या है, जाति देख करके गालियां ओबीसी को भी पड़ी। और ठीक कहा हमारी महिला वक्ता ने कि बाबा साहब ने क्या किया, बैंक कर्मचारी संघ का ये आयोजन है। अभी ओम प्रकाश जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा हमने एक बड़ा संगठन बनाया है, बैंक कर्मचारी के लोग मिलकर के एससी एसटी ओबीसी सब मिलकर के अपने लिए भी संघर्ष करते हैं और बैंक के लिए भी संघर्ष करते हैं। अभी हमारे वरिष्ठ वक्ता महोदय बोल रहे थे तो ये आग्रह भी कर रहे थे कि जो बड़े खतरे हैं उनसे भी लड़ना है। अब बड़े खतरे में क्या है भाई, बैंक में अगर सामान्य आदमी लोन लेने चला जाए तो 1,00,000 रुपया अगर लोन लेना है तो चप्पल घिस जाएगी, उसे लोन नहीं मिलेगा। बैंक वालों बताओ सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, लेकिन देश कैसे चल रहा है कि 10,00,000 करोड़ रुपए का लोन लेकर के कोई दुनिया का दूसरा आदमी बन गया क्योंकि उसका दोस्त इस देश का प्रधानमंत्री बैठा था। और दुनिया में इतना ज़्यादा लोन किसी दूसरे उद्योगपति को नहीं मिला और सारा लोन का पैसा, एक खबर आई और उसका पूरा मार्केट गिर गया। वो जो बैंक का पैसा लेकर के विदेश भाग गए वो कहाँ से लोन पा गए। असली बड़ा खतरा तो इस फर्क का है, आम इंसान का मुल्क कहाँ है ये। और तब उन्होंने जब ये बात कही थी कि बैंक भी हमारा बेचा जा रहा है, मैं अभी पूछ रहा था तो ये लोग बताए कि बैंक ऑफ इंडिया अभी तक सरकारी बैंक है, सरकारी बैंक है। यानी मैं जिस विश्वविद्यालय से आया हूँ वो भी अभी तक सरकारी विश्वविद्यालय है, दिल्ली विश्वविद्यालय। आपके बैंक का कार्यक्रम है ये भी सरकारी बैंक है। तो हम दोनों को ये चिंता कहनी चाहिए और बाबा साहब के जयंती पर ये चिंता जरूर होनी चाहिए कि आज तक तो हम दोनों सरकारी हैं, कितने दिन तक सरकारी बचे रहेंगे। अभी वो कह रहे थे ओम प्रकाश जी कि अभी ये जो 24 की सरकार अगर बन गई तो सबसे पहले बैंक अगर कोई बिकेगा तो उसमें बैंक ऑफ इंडिया सबसे आगे, कागज पत्र तैयार हो गया होगा कि अब इसको भी बेच दो। और वैसे ही नई शिक्षा नीति को जो बनी है उसने हमारे जैसे तमाम विश्वविद्यालयों को जो सरकारी थे प्राइवेट हाथों में बेच दिया है। बस उसकी घोषणा ऐसे नहीं होगी, वो धीरे धीरे असर दिखाएगा अपना। और तब मैं याद कर रहा हूं एक फकीर को, जो जाति क्या होती है आप देखिए, वो कहेंगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जाति नहीं होती हमारे में। लेकिन जब गुजरात के मुख्यमंत्री से आगे बढ़कर के प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ने जाएंगे तो बिना किसी से पूछे बताएंगे कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं। आप पहचानिएगा, मैं नाम नहीं लूंगा। 35 साल मैंने भीख मांग के गुजारा किया है। अभी मैं आइडिया ऑफ इंडिया की बात कर रहा था ना, तथागत बुद्ध की,
उसके बाद मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ और मैं एक दूसरे कालखंड को याद करता हूँ, आइडिया ऑफ इंडिया उसके बिना संभव ही नहीं था। वो संतों का आंदोलन था जिसमें कबीर, रविदास, पलटू, दादो, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद थे। और एक तरफ कोई कविता लिख रहा था कि मांग के खैबो मस्जिद में सोइबो, तो दूसरी तरफ हमारे एक संत लिख रहे थे, चाहे वो कबीर हो चाहे रविदास हो, कि हम श्रम करके खाएंगे और भीख मांग करके हम कभी गुजारा नहीं करेंगे। श्रम करने वाले लोगों की विरासत है आइडिया फिल्म। कबीर साहब श्रम करते थे, परिवार में रहते थे। कबीर साहब ने अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा था, फिर भी महान बन गए। रविदास जी ने अपनी पत्नी नहीं छोड़ा, श्रम किए, घर में रहे, महान है, याद किए जाएंगे। पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, आप पूरा संतों का आंदोलन देखिए, घर में रहे, श्रम किया, मेहनत किया और फिर भी एक ऐसा विचार देकर के गए कि आज भी आप आइडिया ऑफ इंडिया में से इन लोगों को हटा दीजिए तो ये मुल्क कभी ऐसा बन ही नहीं पाएगा। उन्हें कभी नहीं कहना पड़ा कि मैं अपना घर बार पत्नी सब कुछ देश के लिए छोड़ दिया है। 35 साल भीख मांगना कोई गर्व की बात है कि शर्म की बात है? रेलवे स्टेशन पर चाय बेचना मेरे लिए कोई शर्म की बात नहीं है, उसके लिए हम आपका बधाई देते कि आपने मेहनत करके गुजारा किया। लेकिन अगले ही पल बोल दिया कि 35 साल भीख मांगे, तपस्या की, बहुत मेहनत की, साधना किया और फिर नारा लगाया कि वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अब इसलिए मैं इस नारे को यहां खड़े होकर याद कर रहा हूं कि जब आपका हमारा वोट लेकर के उनको हमने कुर्सी दे दी, हमारे लोगों ने उनको कुर्सी पर बिठाया, तो जैसे आपके तमाम बैंकों को उन्होंने बेच दिया है, वैसे ही हमारे शिक्षण संस्थानों को भी उन्होंने प्राइवेट हाथों में बेच दिया है। और अब जिसके जेब में पैसा होगा, लाखों रुपए खर्च करके वो डिग्रियां खरीदेंगे। इसलिए मैं शिक्षा की चिंता को बैंक कर्मचारियों के आयोजन में जोड़ते हुए कह रहा हूं कि ये भारत का जो नक्शा बन रहा है, ये आइडिया ऑफ इंडिया डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर के सपनों के भारत में क्या था? डॉक्टर अंबेडकर साफ विचार रखते थे कि शिक्षा देना राज्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए। बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में डॉक्टर अंबेडकर ने बाकायदे पर्चा पढ़ा, अपना पूरा शर्त या एक बयान दिया वहां पर कि इस देश में सबसे ज्यादा पैसा जो सरकार वसूलती है वो जनता से वसूलती है, जिसमें ज्यादातर हमारे लोग हैं, और सबसे कम खर्च करती है तो वो शिक्षा पे खर्च करती है। और बैंक, आप बैंक वाले हैं, आप तो बेहतर जानते होंगे कि एजुकेशन लोन लेना कितना मुश्किल है। डॉक्टर अंबेडकर ने ये चिंता जाहिर की थी कि अगर इस देश में चुनी हुई सरकारें शिक्षा देने का काम नहीं करेंगी तो शिक्षा सबको नहीं मिल पाएगी। और इसके लिए जब उन्होंने कहा था ना कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, कोई दहाड़ ना पाए, इसलिए जिनके जहन में मनुस्मृति थी उन्होंने भारत के संविधान को कमजोर करने के लिए, आइडिया ऑफ इंडिया को कमजोर करने के लिए, डॉक्टर अंबेडकर का सपनों का भारत न बन पाए इसको सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने शिक्षा को भी प्राइवेट हाथों में बेच दिया है। जिस समय दुनिया कोविड से लड़ रही थी, और ये बात याद दिलाने की जरूरत है क्योंकि हम भारतीय लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, नए नए तमाशे शुरू हो जाते हैं, नए नए बाबा पैदा हो जाते हैं, नए नए चमत्कार होने लगते हैं और उसमें हम असली सवाल भूल जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर 32 डिग्रियां लेकर विदेश से लौटे थे, चार चार पीएचडी किया था उन्होंने, चार चार पीएचडी की डिग्री, 32 ओरिजिनल डिग्री, एक भी डिग्री डॉक्टर अंबेडकर की फेक नहीं थी। आप समझिए जो आजकल लोग बने हैं वो अपनी डिग्री दिखाते हैं तो पता चला वो भी डिग्री नकली है, और हमारे विश्वविद्यालय की डिग्री, जिस समय वो फंड बना ही नहीं था तब भी वो डिग्री बन गई थी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के पास ओरिजिनल डिग्री थी, हुनर था। स्कूल में पढ़ने गए तो स्कूल से बाहर बिठा दिया, उन्हें शिक्षा तक मिलना नहीं नसीब हुआ, लेकिन फिर भी अपने हुनर से जब पढ़ाई की विदेश से लौटे। और मैं गया हूं उस जगह पर, गुजरात का वडोदरा जिले का सयाजी बाग, जो अब संकल्प भूमि के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर अंबेडकर जब वहां अपनी शर्त के मुताबिक नौकरी करने गए, अफसर रैंक पर थे,
चपरासी फाइल फेंक कर देता था, पानी पीने को नहीं देता था, उतना अपमान जलालत। डॉक्टर अंबेडकर उस जगह पर लौट कर आए और रोए। उनके पास तो सारी ओरिजिनल डिग्रियां थी, देखते कि इस देश में इतना बड़ा अपमान एक पढ़े लिखे शख्स के साथ हो सकता है तो ये देश रहने लायक नहीं है, विदेश चले गए होते, अच्छी डिग्री लेकर के गए थे, अच्छी नौकरी पाते, एक अच्छे पिता, एक अच्छे पति, एक अच्छे नागरिक हो जाते। लेकिन रोने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने वही संकल्प लिया कि मैं इसी मुल्क में रहूंगा और जब तक अपने, जब मैं इतना पढ़ा लिखा हूं मेरे साथ इतना अपमान है तो मेरे लोगों के साथ कितना अपमान होगा। उन्होंने वही संकल्प लिया कि जब तक इस देश में मैं बराबरी का समाज नहीं बना देता, इस जाति व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन पूरे देश में नहीं खड़ा कर देता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और आज भी वो जगह संकल्प भूमि के नाम से याद की जाती है। और इसलिए मैं कहता हूं डॉक्टर अंबेडकर हमारे नायक हैं। उन्होंने भागना कबूल नहीं किया, जो सबसे बड़ी मुश्किल थी उससे सीधे टकराना कबूल किया। और तब मैं ये बात याद करते हुए कह रहा हूं कि डॉक्टर अंबेडकर की चिंताओं में से सबसे प्रमुख चिंता थी शिक्षा, और शिक्षा के लिए डॉक्टर अंबेडकर बार बार कहते रहे कि शिक्षा पर सबसे ज्यादा खर्चा स्टेट को करना चाहिए, क्योंकि आम जनता के टैक्स के पैसे से स्टेट चलता है, शिक्षा सरकारी होनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर वहीं पर स्पष्ट अपनी राय रखते हैं कि बैंकों का नेशनलाइजेशन होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर का साफ विचार है कि बैंक राष्ट्रीयकृत होना चाहिए, वित्तीय निगम राष्ट्रीयकृत होना चाहिए, रेलवे को राष्ट्रीयकृत करने की बात करते हैं। और आज कुछ लोग जो डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते हैं और 14 अप्रैल को उनकी मूर्ति पर माला भी पहनाते हैं, वो इन्हीं सारी चीजों को प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं। और तब मैं याद कर रहा हूं कि कोविड जब आया, कुछ लोग कहते हैं कि 5 लोग मर, आप कहेंगे कोविड में बहुत लोग मर गए, कहा आपके गांव में कितने मरे, तो कहा 5 मरे, कहा मोदी जी ना होते तो 10 मर गए होते, 20 मर गए होते। हमारा, मैं तो उत्तर प्रदेश आया हूं जहां राम राज आया हुआ है ना, कोविड में दुनिया में ऐसा दृश्य कहीं नहीं था जैसा उत्तर प्रदेश की नदियों में तैरती हुई लाशों का था, जिसके ऊपर कफन तक नहीं थे और कुत्ते उन लाशों को नोच रहे थे, और फिर भी उत्तर प्रदेश के लोग, हम लोग भूल गए। और याद करिए उसी कोविड में जब सांप्रदायिकता फैलाई जा रही थी, मुसलमानों को कोरोना घोषित किया जा रहा था, उसी कोविड में जब दुनिया कोविड से लड़ने के लिए सोच रही थी, इंसानियत की बात हो रही थी, हमारे देश में इंसान इंसान को लड़ाया जा रहा था, और वहीं एक आध नमूने उस समय भी पैदा हो गए थे कि कोरोना से बचना है तो थोड़ा सा गोबर लीप लीजिए, थोड़ा सा गोबर ओढ़ लीजिए। कुछ एक टीवी पर बैठकर किसी ने कहा कि गोबर लीपने से ये फायदा होता है, ओढ़ने से ये फायदा होता है, तो थोड़ा थोड़ा गोबर अगर खा लें तो हो सकता है दिमाग भी बढ़ता है। मैं जब ये बात कह रहा हूं तो ये मजाक की बात नहीं है, मैं चिंता के साथ ये बात कह रहा हूं कि जिस देश में सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले, और मैं पिछले दिनों पूना गया था, भीड़े वाला, मैंने अपनी आंखों से वो जगह देखी, वो उस मिट्टी को छू कर आया जहां पहला स्कूल माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने खोला था, वो आज खंडहर बना पड़ा है। उस पूरे इलाके में उतनी बुरी स्थिति किसी दूसरी इमारत की नहीं थी, और ऐसा लगता है कि उसे छोड़ दिया गया है कि वो गिर जाए, ढह जाए, नष्ट हो जाए। मैं उन गलियों में गुजरना चाह रहा था, मैं वहां गया तो मैंने पूछा लोगों से आसपास कि वो स्कूल कहाँ है जहां सावित्रीबाई फूले ने पहला स्कूल खोला था, उन लोगों को नहीं पता है। उसी के ठीक सामने एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है एक हिंदू देवता का, वहां हजारों की भीड़ लगी हुई है, जो भी लोग वहां गए होंगे उनको पता है, और वहां सारे लोग उसका एड्रेस बताते हैं, और माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले के स्कूल का एड्रेस तक नहीं पता। एक छोटा सा बोर्ड वहीं लगा हुआ है, और जब हम ऊपर गए तो उन दीवारों पर बिल्कुल जर्जर हो चुकी हैं दीवारें, नीचे लोगों ने मना किया कि अंदर मत जाइए, ये गिर सकता है कभी भी। मन में यही बात आई कि अगर ये जगह नहीं रही होती तो हम जैसे तमाम लोगों की पीढ़ियों कि इमारतें कब की ढह गई होती, लेकिन वो इमारत थी तब जाकर पढ़ लिख करके हम जैसे लाखों नौजवान पैदा हुए, वो ज्ञान की ज्योति जलाने वाले थे ज्योतिराव गोविंदराव फूले और सावित्रीबाई फूले, और उन्होंने शिक्षा देने के लिए क्या क्या झेला। और फिर आप अपने भारत को याद करिए, और लोगों के बीच में इस बात को कहने की जरूरत है, सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख, आज इस देश में हिंदू मुस्लिम की नफरत
सीधे मुसलमानों के खिलाफ इस देश में आग लगाई जा रही है। हम डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग, पढ़िए, डॉक्टर अंबेडकर दो राष्ट्र के सिद्धांत के खिलाफ थे। वो जिन्ना को लिखते हैं पत्र कि आपको आपकी मुक्ति नहीं मिलेगी, हमारे भी लोग इस देश में सदियों से पीड़ित हैं, लेकिन ये हमारा मुल्क है, हम इसे ही अच्छा बनाएंगे और अपने लोगों के रहने लायक बनाएंगे, आइए मिलकर लड़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे ना साफ कि अगर मेरे हित में और राष्ट्र के हित में अगर टकरावट होगी तो मैं राष्ट्र के हित को चुनूंगा, लेकिन मेरे समाज के हित में और देश के हित में टकराहट होगी तो मैं अपने समाज के हित को चुनूंगा, क्योंकि मेरा समाज अगर अच्छा नहीं है तो ये देश कैसा है। और तब डॉक्टर अंबेडकर ने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जिसमें शिक्षा केंद्र में थी। और मैं फिर से ये सवाल कर रहा हूँ कि ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले जिस रास्ते चल करके उस स्कूल में पढ़ाने जाया करते थे, उनको उस रास्ते पर कचरा फेंका गया, पत्थर फेंके गए। एक बात इस देश में आज चीख करके कहने की जरूरत है कि पता करो कि जो पहला लड़कियों का स्कूल 3 जनवरी 1848 को खोला गया था वो सारी जाति के लड़कियों का था, महिलाओं का स्कूल खोला गया था, और फिर भी यह प्रकाश के लोगों ने पत्थर क्यों मारा, क्यों ये हमारी शिक्षा के खिलाफ थे। दलित बच्चों को पढ़ाने के लिए जो स्कूल खोला गया वो उसके खिलाफ थे, तो जो शिक्षा के खिलाफ था उसने उनके ऊपर पत्थर फेंका। और जिन्होंने सावित्रीबाई फूले के ऊपर उस समय गोबर फेंका था, उन्हीं के कुछ वारिस आज हैं जो गाय गोबर गौमूत्र में विज्ञान ढूंढ रहे हैं। साफ है, ये दो चेहरा है इस देश का। हम अपने पुरखों को पूरी शान से याद करते हैं कि हमारे पुरखे किसी गाय गोबर गौमूत्र में विज्ञान नहीं ढूंढ रहे थे, वो विज्ञान की बात करते हुए इंसानियत को मोहब्बत का पाठ पढ़ाते हुए बराबरी का देश बनाना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने शिक्षा की लड़ाई लड़ी। और तब मैं कह रहा हूं डॉक्टर अंबेडकर को याद करने वाले लोगों, हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि अगर सांप्रदायिकता की आग इस देश में दंगे के नाम पर लगाई जाएगी, रोज मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम लड़ाया जाएगा, तो हम ये बात इस मुल्क के कोने कोने में बताएंगे कि जब ज्योतिबा फूले को उनके पिता ने घर से निकाला तो पहला स्कूल खोलने के लिए जगह उनके दोस्त उस्मान शेख ने दी थी और उनके बाड़े में पहला स्कूल खोला गया था। ये साझा विरासत का देश हमारा है। और आज हमारे लोगों को दंगे में इस्तेमाल करने के लिए कल आके हमसे ही वोट ले जा रहे हैं। भाई मैं तो उत्तर प्रदेश से आया हूं और साफ आलोचना करता हूं कि हमारे लोग अगर वोट न दें तो ये इन जालिमों की सरकार कभी नहीं बन सकती है। हमारे लोग उनका वोटर बन करके उनकी सरकार बनाए हुए हैं और वो हमारे लोगों को दंगे में इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बार बार इस देश के लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि भारत में गौतम बुद्ध के खिलाफ चाहे कबीर हो, रैदास हो, बुल्ले शाह बाबा फरीद हो, इन लोगों के खिलाफ और उसके आगे बढ़ के आइए। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, एक मौका मिला मुझे वहां जाने का शाहू पैलेस में, और शाहू पैलेस में पहली बार मैं उस दरबार में जब खड़ा हुआ, सामने कुर्सियां लगी थीं, लगभग 70-71 कुर्सियां भी थीं, और उन कुर्सियों के बीच खड़े होकर मुझे महसूस हुआ कि 26 जुलाई 1902 में ये वही जगह है जब छत्रपति शाहू जी ने अपने इसी दरबार के लोगों के बीच जनगणना जाति के आधार पर कराई और पाया कि 71 में से 60 पदों पर केवल ब्राह्मण बैठे हुए हैं, मध्यवर्गीय पदों में से 50 में से 45 पर केवल ब्राह्मण बैठे हुए हैं। और शाहू जी पहले नायक जिन्होंने जाति जनगणना इस देश में कराई और पाया कि जिनकी आबादी बाहर 3-4% है, मेरे दरबार में वो 97 से 99% बैठे हुए हैं, उन्होंने पहली बार 50% गैर सवर्णों के लिए, गैर ब्राह्मणों के लिए रिजर्वेशन इस देश में दे दिया। और उसी दीवारों पर, इमारत में लिखा हुआ है कि जब शाहू जी दिल्ली किसी अभियान किसी कार्यक्रम में आते थे तो बाकी सारे राजा महाराजा शाहू जी के खिलाफ खड़े होते थे, उनको अपमानित किया गया। छत्रपति शाहू जी महाराज कुनबी किसान जाति से आते थे जो उत्तर भारत में कुर्मी जाति है, शायद अगर मैं सही हूं तो, जिसे ज्योतिबा फूले भी कुनबी किसान कहते थे। मैं बार बार ये सवाल पूछना चाहता हूं कि वो कौन लोग थे जो ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की स्कूल खोलने और शिक्षा देने के खिलाफ खड़े थे, वो कौन लोग थे जो जाति जनगणना कराकर बराबरी का हक, मैं शाहू पैलेस में गया, जैसा जितनी बुरी हाल भिड़े वाला की उस पहले स्कूल की है ना, उससे ज़्यादा बुरी हाल शाहू पैलेस की है। बाहर से एक चमचमाती इमारत है और अंदर
जो कागज जब दस्तावेज हैं वो सब ऐसा लगता है मिटा तो नहीं सकते, हिम्मत तो नहीं है, इसलिए अपने आप मिट जाएं, उस हालत पर छोड़ दिए गए, बिल्कुल बेतरतीब खड़े हैं वहां पर। और मैं उन दस्तावेजों में खोजना चाह रहा था कि कोल्हापुर एक ऐसी रियासत जो 1902 से 1920, और याद करिए यहां से एक पैगाम भी मैं दे रहा हूं ओबीसी एससी एसटी एकता की, छत्रपति शाहू जी ओबीसी कुनबी किसान जाति से आते थे, और 1902 से 1920-22 तक छत्रपति शाहू जी महाराज एक फरमान निकालते हैं कि मेरे राज्य में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क होगी, मेरे राज्य में बधुआ मजदूरी प्रतिबंधित होगी, मेरे राज्य में जो मातंग प्रथा है, जमींदारी की प्रथा, ये खत्म होगी, मेरे राज्य में कोई अछूत कोई बनाएगा, किसी को छुआछूत करेगा तो उसको सजा मिलेगी। गंगाराम कांबले मुझे याद आते हैं, गंगाराम कांबले को पता, जब शाहू जी बाहर थे उन्हें पता चला कि उनके दरबार के लोगों ने उनके एक व्यक्ति की बड़ी पिटाई कर दी, गंगाराम कांबले, क्या क्यों पिटाई की, पता चला कि उन्होंने सार्वजनिक तालाब से पानी छू लिया, तो कहा एक शूद्र तालाब से पानी छू लिया। और उसके बाद जब शाहू जी को ये बात पता चली तो पहले तो उन्हें नौकरी से निकाला और उस गंगाराम कांबले को पैसे की मदद की और कहा कि जाओ कोल्हापुर के मुख्य चौराहे पर चाय की दुकान खोलो, उद्घाटन करने मैं आऊँगा। जब शाहू जी पहुँचे तो उन्होंने कहा कि तुमने बोर्ड पर अपनी जाति क्यों नहीं लगाई, तो शाहू जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि लगता है गंगाराम तुम पूरे कोल्हापुर का जाति भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट करके मानोगे, और मुस्कुराते हुए गंगाराम कांबले के हाथ से चाय पी। और उन्होंने कहा कि ये ऐसा भारत बनाना है हमें जिसमें कोई जाति देख करके किसी इंसान को इंसान से बंटवारा ना करे। और उन छत्रपति शाहू जी महाराज ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आर्थिक रूप से मदद की थी, अखबार निकालने से लेकर परिवार चलाने तक पत्र पड़े हुए हैं, माता रमाई को पत्र लिखा, बाबा साहब के पत्र पड़े हुए हैं, वहां दोनों की एकता है ओबीसी और एससी एसटी की, हमारे नायकों को आपस में बांट दिया। मैं फिर से सवाल करता हूं, शाहू जी के खिलाफ कौन खड़ा था? उसके बाद जब आए त्रिवेणी संघ, बताओ बिहार के लोगों, बिहार में त्रिवेणी संघ के खिलाफ कौन लोग बदनाम किए कि वो तीन जातियों का संगठन है? और मैं उस त्रिवेणी संघ को याद कर रहा हूं जो केवल ओबीसी की बात नहीं कर रहा था, ओबीसी के लीडरशिप में खड़ा हुआ एक आंदोलन जिसके तीन बड़े नेता तीनों ओबीसी थे, और तीनों ओबीसी नेता जो अर्जक संघ तक अगर आप ले जाएंगे, चाहे जगदेव बाबू हो चाहे रामस्वरूप वर्मा हो, दोनों ओबीसी कम्युनिटी से आते थे। और त्रिवेणी संघ से अर्जक संघ तक का पूरा आंदोलन, जो बिहार की जमीन में समाजवादी आंदोलन भी है, 100 से कम न 1000 से ज्यादा समाजवाद का यही तकाजा, मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, उस पूरे आंदोलन का नारा त्रिवेणी संघ अर्जक संघ का, पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे निकला ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान, ये नारा उनका था। कोई ओबीसी कम्युनिटी का नारा जो वैचारिक रूप से है वो सब 90% लोगों का था, जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, ये पूरे नारे आपके चेतना और वैचारिक आंदोलन के नारे हैं, जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, टाटा बिरला या मजूर का सबका सबको शिक्षा एक समान, और सबको शिक्षा सबको काम वरना होगी नींद हराम, और सबको शिक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। मैं क्यों ये बात दावे और पुख्ता तरीके से कह रहा हूं कि ओबीसी समाज ने, ऐसा नहीं है कि कोई सामाजिक क्रांति का आंदोलन नहीं किया, लेकिन आज के ओबीसी समाज को अपनी विरासत से जुड़ने का मौका नहीं मिल रहा है, या वो जुड़ना नहीं चाह रहे, दिक्कत केवल यहां आ रही है। त्रिवेणी संघ अर्जक संघ से होते हुए इन सारे चीजों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि हमारी विरासत एक साझापन की विरासत रही है, हमारे पुरखों ने मिलकर के इस देश को बेहतर बनाने की लड़ाई लड़ी, और बैंक कर्मचारी एसोसिएशन के आप सम्मानित लोगों, मैं आपसे एक पैगाम एक गुजारिश करने की बात कह रहा हूं कि हमें इस बात को पूरे देश में कहने की जरूरत है कि हमारे पुरखों ने शिक्षा की लड़ाई लड़ी, उनको अपमानित किया गया, हमारे पुरखों ने रोजगार की लड़ाई लड़ी, उनको अपमानित किया गया, और आज
हमारे लोग जब इस मुल्क की बेहतरी के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो जिनकी सरकार है वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं। और इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हुए मैं गुजारिश पटना बिहार के लोगों आपसे करने आया हूं। वो गुजारिश इस बात की है कि आज अगर बाबा साहब होते तो वो कौन सी लड़ाई कैसे लड़ रहे होते, किस रणनीति से लड़ रहे होते। मेरे लिए बाबा साहब की जयंती मनाने का असली मकसद ये है कि मैं इस सवाल पर विचार करूं। और मैं ये दावे से कह रहा हूं कि अगर आज बाबा साहब होते तो जितने बैंक आपके बेच दिए गए ना, इन बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ इस देश के लोगों को आंदोलन के लिए उत्साहित कर रहे होते। अगर आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर होते तो इस देश में शिक्षा को सरकारी से प्राइवेट हाथों में बेचने के खिलाफ आंदोलन कर रहे होते। कोविड की बात कहते हुए मैं क्यों जिक्र कर रहा था कि दुनिया कोविड से लड़ रही थी और हमारे यहां 3 कानून पास किए उन लोगों ने जो चाहते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दें, अखंड भारत बना दें। 3 कानून में पहला कानून था कृषि सुधार के नाम पर, और इस देश के किसानों के आंदोलन ने 13 महीने और 750 लोगों की शहादत के बाद उसने उस बिल को रुकवा लिया जिसमें फसलों और नस्लों को बेच दिया गया था। दूसरा कानून पास किया गया था श्रमिक सुधार कानून के नाम पर। और आप ट्रेड यूनियन के लोग हैं, ट्रेड यूनियन का मकसद ये होता है जो बाबा साहब का संघ नारा है, एजुकेट ऑर्गेनाइज एजुटेट, शिक्षित बनो। अच्छा, हमारे यहाँ उत्तर भारत में ये शिक्षित बनो, अच्छा यहाँ देखिए बिल्कुल वही लिखा हुआ है, हम लोग की तरफ नारा दिया था शिक्षित बनो। और महाराष्ट्र में मुझे एक लोगों ने कहा कि एजुकेट ऑर्गेनाइज एजुटेट, इसका अनुवाद होना चाहिए शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो। यानी आप तैयार हो, आओ इस देश के लोगों को भी तैयार करो ताकि एक बेहतर दुनिया बनाई जा सके। और तब मैं कह रहा हूं कि आज अगर बाबा साहब होते तो ट्रेड यूनियन की बात करते। बैंक कर्मचारी संघ के लोगों, पहला ट्रेड यूनियन इस देश में किसने बनाया? महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने बनाया, ट्रेड यूनियन, मजदूर श्रमिक संगठन बनाए। बाबा साहब की पहली पार्टी जो थी उसका नाम क्या था? लेबर पार्टी, श्रमिकों की बात करने वाले लोग। और बाबा साहब ने वही कम्युनिस्टों से एक मतभेद किया कि भारत में केवल श्रम का विभाजन नहीं, श्रमिकों का भी विभाजन है। बैंक के लोग बैठे हुए हैं, अभी ओपी जी बता रहे थे कि हमारे बैंकों में जितना इंटीरियर पोस्टिंग होती है वो एससी एसटी ओबीसी को ज्यादा दे दी जाती है। बताइए सही है ना? अब उनके बच्चे किसी अच्छे शहर में हैं, वहां पढ़ रहे हैं, वहां काम कर रहे हैं, और उन कर्मचारियों को जाति देख करके भेज दिया गया इंटीरियर में, जहां खाने को अन्न नहीं वहां बैंक खोल करके कह दिया कि वहां पर। और उसके बाद आप लोग की रिपोर्टिंग भी होती होगी कि आपका काम कैसे, और उसके आधार पर प्रमोशन मिलेगा कि नहीं। अभी अध्यक्ष जी जब बोल रहे थे तो ये चिंता जाहिर कर रहे थे, इंटरव्यू लेकर के गलत तरीके से हमारे लोगों को कमजोर किया जा रहा है। अब इंटरव्यू की बात आई है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हूँ, इस समय विश्वविद्यालयों में जो इंटरव्यू चल रहे हैं, अब मैं और ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं उसी का एक हिस्सा हूँ, लेकिन पता है 20-25 साल हमने जितना कुछ शिक्षा में अर्जित किया होता है, ऐसा लगता है कि 1-1.5 मिनट के इंटरव्यू में वो हमारी काबिलियत देख लेते हैं। JNU एक देश का एक प्रतिष्ठित संस्थान है, और वहाँ आज भगवा वाले लोग हैं, कल तो कोई और वाले थे, लेकिन वहाँ भी इंटरव्यू में नंबर कम दिया जा रहा था। हमारे यहाँ एक RTI जब मैंने 2019 में लगाई तो पता चला कि इस देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 0 प्रोफेसर OBC के हैं। OBC को जोड़ने की बात मुझे एक चीज़ सोचनी है, और आपके सामने एक विमर्श की तरह रख के जा रहा हूँ। हम अगर ये शिकायत करेंगे कि OBC नहीं जुड़ रहा, नहीं जाग रहा, बिल्कुल जायज शिकायत है, क्योंकि OBC की आबादी आधी आबादी, अगर वो आधा भी जाग जाए तो पूरा काम हो जाए, इसलिए शिकायत जायज है। आबादी ज़्यादा है तो जिम्मेदारी भी ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें से काम ये करना है कि जो जगे हुए हैं उनके ऊपर उनको इतिहास पढ़ाने की जिम्मेदारी देनी है, और उनको जोड़ने के सूत्र क्या होंगे कि OBC के आज की डेट में
45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से 2019 तक जीरो प्रोफेसर थे और आज की डेट में 31 प्रोफेसर केवल ओबीसी के हैं। जैसे ही आप ये सवाल लेके जाएंगे मुझे लगता है यूनिटी बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट में आज की डेट में 2 शेड्यूल कास्ट और 1 अदर बैकवर्ड कम्युनिटी और 1 मुस्लिम, इतने ही सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, शेड्यूल ट्राइब के भी जज नहीं। ये सवाल जिस दिन हम लोगों के बीच में ले जाएंगे, 99% ब्यूरोक्रेसी में कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक के लोग अपर कास्ट बैठे हुए हैं। प्रोफेसर वाइस चांसलर 2019 का आंकड़ा है, 596 वाइस चांसलर में से 6 ओबीसी, 6 शेड्यूल ट्राइब और 36 ओबीसी और 6 शेड्यूल ट्राइब और कास्ट के लोग हैं, और लगभग 550 वाइस चांसलर एक ही कम्युनिटी के अपर कास्ट के लोग हैं। हम आज के सवालों पर अगर हम यूनिटी बनाएंगे तो मुझे लगता है कि 90% की एका बना लेंगे। और मैं क्यों जगदेव बाबू के नारे को बार बार याद करता हूं, क्योंकि वहीं से मुझे एक दिशा दिख रही होती है। 100 में 90 शोषित हैं, तो 90 की बात की और शोषितों ने ललकारा है धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का समान वितरण। 2023 के शुरुआत में चंद महीनों पहले ऑक्सफैम इंडिया ने एक सर्वे जारी किया कि इस देश के 1% लोगों के पास 40% संपत्ति का कब्जा है। इस देश के 50% आबादी 3% संपत्ति पर गुजारा कर रही। हम ये जानना चाहते हैं कि वो जो एक व्यक्ति है जो 100 रुपये में से 40.5 रुपये का कब्जा किया हुआ है वो कौन सी जाति का है। भाई जब तुमने राष्ट्रपति की जाति बताई, जब तुम प्रधानमंत्री की जाति बताते हो, जब कैबिनेट में मंत्री बनाते हो तब बड़ी बड़ी होर्डिंग में लगा के जाति बताते हो, तो हम जानना चाहते हैं कि ये 1% लोग जो 40.5% संपत्ति पर कब्जा किए हुए हैं वो कौन सी जाति के हैं, और जो 90% लोग 7-8% पर गुजारा कर रहे हैं वो किन जातियों के हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वही जो हजारों साल से वंचित थे वही अब भी वंचित होते चले जा रहे हैं। इसलिए इस मंच पर खड़े होकर मैं एक बात कह रहा हूं, अगर आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर होते तो इस देश के SC ST OBC को एकजुट कर कहते कि जाति जनगणना पर पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा करो, बिना जाति जनगणना के इस देश में बराबरी की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। पता तो चले कि भाई कौन सी जाति का कितना कोई कब्जा किया हुआ है, और तब ओबीसी को इतिहास बताइए कि कैबिनेट से इस्तीफा देते हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल के साथ दूसरा जो कारण बताया था कि अनुच्छेद 340 के तहत जो ओबीसी के लिए कमीशन बनाया जाना था, जिसके तहत उनकी जनगणना होनी थी, जिसके तहत उन जनगणना के आधार पर रिजर्वेशन मिलना था, वो दोनों काम नहीं हो रहा था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस्तीफा दे देते हैं और फिर 1956 तक आते आते डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर के एक नया कोई राजनीतिक विकल्प खोजने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। अपने अंतिम वक्त में डॉक्टर अंबेडकर डॉक्टर लोहिया मिलकर काम करना चाह रहे थे और वो मिलकर काम करना अधूरा रह गया, क्योंकि बीच में 6 दिसंबर 1956 का एक काला दिन आ गया। डॉक्टर अंबेडकर कुछ दिन और रुके होते तो मुझे लगता है कि इस देश के लिए एक नया विकल्प मिलता, वो विकल्प जो SC ST OBC कमेरा 90% लोगों को एकजुट करने का विकल्प था। और मैं हर जयंती पर डॉक्टर अंबेडकर को याद करते हुए ऐसी किसी संभावना की तरफ देखना चाहता हूं। वक्त काफी हो गया है, मैं बस इसी बात को लेकर चिंतित हूं। हमारे आज के भारत को लगातार इस देश में भारत के संविधान को कमजोर करके कुछ लोग मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। साफ खतरा यह है, आप बैंक के कर्मचारी हैं, आपका संगठन मजबूत होगा, आपका बैंक बड़ा होगा, हो सकता है कुछ दिन अपने बैंक का भविष्य बचा लेंगे। हम विश्वविद्यालय के लोग कुछ दिनों तक अपने विश्वविद्यालयों को बचा लिए थे, इस देश के किसानों ने मिलकर कुछ दिनों के लिए अपनी जमीन बचा ली है। इस देश में बिहार में इधर उधर करते थोड़े दिन के लिए आपने सांप्रदायिकता की आग से बिहार को बचा रखा है, मगर कितने दिन तक? शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, चिड़ियों तुम फंसना मत। मुझे इस पूरे अपने वर्तमान में ऐसी कोई गूंज, कोई आकाशवाणी सुनाई देती है। मैं किसी आकाशवाणी में भरोसा नहीं करता,
लेकिन उनको उन्हीं की भाषा में, हमारे आधे से ज़्यादा लोग आज भी धार्मिक हैं, और आप डेटा निकाल कर देखिएगा, ये जो बाबा किस्मत बताने वाला बिहार में आया है दंगा कराने के लिए, उसकी कथा सुनने सबसे ज़्यादा आबादी में किसके घरों के लोग जाएंगे? और ये अगर जा रहे हैं तो इसमें हमारी भी विफलता है, दो तरह की। पहली विफलता ये है कि हम अपने लोगों को जाने से रोक नहीं पा रहे। लेकिन एक बात सोचिए, इसे इस रूप में भी सोचिए, मैं एक बौद्धिक बात कर रहा हूँ, किसी के घर में खाने को नहीं है, उसके यहाँ शाम को चूल्हा नहीं जलने वाला, उसे शिक्षा मिली ही नहीं, उसे पता ही नहीं कि गुलामगिरी और जाति का विनाश किसने लिखा, उसे पता ही नहीं कि उसके जीवन में अम्बेडकर फूले पेरियार कोई थे, उसके घर में कोई बीमार बैठा है जिसके इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में दवाई नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, सारे तरफ से वो कमज़ोर है, उसे दर्शन समझ में आएगा? उसे बीमार व्यक्ति के पास कोई चला जाएगा और कहेगा कि फलाने बाबा के यहाँ चलो, तुम्हारा इलाज हो जाएगा? वो कमज़ोर पड़ा हुआ शख्स चुपचाप उठ करके वहाँ अंधविश्वास में चला जाएगा, क्योंकि वो काम आसान है। अच्छा, एक बात बताइए, जो भोपाल वाला एक बाबा आया था पिछले दिनों, कि आपका बेटा अगर आठवीं में एग्ज़ाम देने जाए, पढ़ाई न किया हो, तो बेलपत्री पर शहद लगाकर शिवलिंग पर लगा दीजिएगा, वो पास हो जाएगा। ये बताइए, काम आसान है कि नहीं? ये तो बहुत आसान काम है ना, और बच्चों को भी लगेगा कि पढ़ने की क्या जरूरत है, एक बेलपत्री निकाल के किताब के बीच में लगा लेंगे। लेकिन उसी के कुछ दिन बाद अखबार में जब खबर छप गई कि उसी कथावाचक का अपना बेटा आठवीं में फेल हो गया, तब तो कम से कम इस देश को जागना चाहिए। ये वही देश है जहां 1998-99 के आसपास गणेश की मूर्तियां दूध पीती थी, तब तो सोशल मीडिया नहीं था, और पूरे देश में लोग दूध लेकर के मूर्तियों को पिलाने चले गए थे। अब मैं पूछूंगा, कम से कम बिहार में हूं तो पूछ ही लेता हूं कि आजकल प्यास नहीं लग रही क्या? और मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा, मैं तो वैज्ञानिक बात पूछ रहा हूं। आपको पता है ये अंधविश्वास इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पीछे से आपकी शिक्षा, आपकी नौकरी, आपका बैंक, आपका विश्वविद्यालय बिक गया है, और आपके बच्चे अब तार्किक बौद्धिक नहीं पैदा होंगे, तो जो अपढ़ कुपढ़ भीड़ होगी वो अंधविश्वास की तरफ नहीं जाएगी, तो क्या जाएगी? अगर वो पढ़ लेंगे तो पूछेंगे कि बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेट करने के लिए क्यों कर रहे हो? आपने कहा ना कि वहाँ बाहर से आउटसोर्स कराया जा रहा है? साहब, हमारे यहाँ नई शिक्षा नीति में 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में चला गया। हमारे मित्र मनोज गुप्ता जी बैठे हुए हैं, पटना में असिस्टेंट प्रोफेसर है। हम लोगों ने बड़े आंदोलन साथ में किए, 13-point रोस्टर का आंदोलन किया। निर्देश जी बैठी हुई हैं दिल्ली के, हमारी बहुत क्रांतिकारी साथी हैं, लगातार आंदोलनों में खड़े रहे हम। और हर बार जब उसने कहा था ना कि 56 इंच की छाती है कोई झुका नहीं सकता, पहली बार जब SC ST OBC माइनॉरिटी 90% कमेरा लोग एकजुट हुए थे, तो 2 अप्रैल 2018 के भारत बंद में उन्हें झुकाया, और दूसरी बार 13-point रोस्टर पर झुकाया। जब जब हम एकजुट हुए तब तब हमने उसे हराया, क्योंकि हमारे लोग तो उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं, और वो सारे आंदोलनों से जो हासिल हुआ उसे दूसरे रास्ते खत्म कर दिया। 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में हो गया है बिहार में। तो शिक्षा की आलोचना तो मैं थोड़ा सा करूंगा, भले ही अपने लोग कहते हैं हमारे खेमे वाले लोगों की सरकार है, लेकिन अगर आपके यहाँ शिक्षा में 5 साल अगर 3 साल वाली डिग्री में लग रहा है तो ये गड़बड़ है, और हम इसकी भी आलोचना आपकी करेंगे। अगर आप SC ST OBC के फेलोशिप कम करेंगे तो हम आपकी आलोचना करेंगे। अगर आपकी सरकार है तो आप और कदम बढ़ाइए ना, और हम तो ये इसीलिए तो चाहते हैं कि हम अपने लोगों की आलोचना करें। जब भारत आज़ाद हुआ तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सदन में नहीं बैठे, सड़क पर नहर रेट आंदोलन करते हुए लाठी खाए और जेल चले गए। लोगों ने पूछा, लोहिया जी आप तो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, अब तो अपने लोगों की सरकार बन गई, अब क्यों लड़ रहे हो? उन्होंने कहा, समाजवाद का ये तकाजा नहीं है कि अपने लोगों के अगर कोई नियम खराब है, कोई पॉलिसी खराब है, तो उसकी आलोचना न की जाए। और सदन में खड़े होकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जवाहरलाल नेहरू से कहते हैं कि 3 आना बनाम 15 आना, एक गरीब देश का अमीर प्रधानमंत्री इस देश को लूट रहा है, और जवाहरलाल नेहरू खड़े होकर उनकी आलोचना सुनते थे। एक किस्सा मिलता है कि एक महिला जब राम मनोहर लोहिया के पास गई, कहीं भारत आजाद हुआ आप सब लोगों को तो बहुत कुछ मिल गया, हमें क्या मिला? उन्होंने कहा कि ये नेहरू इतने टाइम जाते हैं वहां, वो जाते समय उनका कॉलर पकड़ के सवाल पूछना, और उस किस्से में ये दर्ज है कि उस महिला ने जब कॉलर पकड़ा कि आप तो प्रधानमंत्री बन गए, आजाद हुआ देश, तो हमें क्या मिला? उन्होंने कहा कि तुम्हें यह मिला कि तुम अपने प्रधानमंत्री के कॉलर पकड़ सकते हो।
अब वही देश आजाद होकर के यहां तक पहुंच गया है कि आप अपने प्रधानमंत्री की आलोचना कर दीजिए, आप पे एनएसए लगाकर जेल में भेज दिया जाएगा, और अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपके घर पे बुलडोजर चल दिया जाएगा। हम अपने लोकतंत्र को खो रहे हैं, और इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आज डॉक्टर अंबेडकर होते तो जिस संविधान को उन्होंने इतना संघर्ष करके बनाया, जिस जमहूरियत को उन्होंने अपना चार चार बच्चे अपने अच्छे पति नहीं हो पाए, अच्छे पिता नहीं हो पाए, अच्छा जीवन नहीं जी पाए, केवल इसलिए कि जितना हासिल करके देंगे हम लोग अंबेडकर के मानने वाले लोग उतना बचा भी नहीं पाएंगे। क्यों लिख करके गए डॉक्टर अंबेडकर और सख्त चेतावनी दी है, ये आखिरी बात मेरी है कि अगर हिंदू राष्ट्र हकीकत बनता है तो वो इस देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। हिंदू कुछ भी कह ले मगर हिंदू धर्म स्वतंत्रता समानता बंधुता विरोधी है, वो लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है, इसलिए किसी भी कीमत पर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनने से रोका जाना चाहिए। इतनी सख्त चेतावनी डॉक्टर अंबेडकर ने और दूसरी किसी चीज के लिए नहीं दी थी। इसका मतलब हमारे पुरखे को पता था कि कुछ दिन बाद कुछ लोग आएंगे जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करेंगे। मैं अपने लोगों को एक पैगाम तो देकर जाऊं कि वो हिंदू राष्ट्र हमारे लोगों को एकलव्य और शंभूक बनाने के लिए होगा, हमारी महिलाओं पर हाथरस और ऊना जैसा कांड का होगा। इसलिए अगर हम हिंदू हैं तो हमारे प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर कहाँ हैं? हिंदू तब बनाते हो जब दंगा कराना होता है। और बताओ, अंबेडकर जयंती के दिन फिर से एक सवाल पूछ रहा हूं। 14 अप्रैल को मैं महाराष्ट्र में था, और जितने भी हमारे क्रांतिकारी लोग हैं सब जानते होंगे इस देश में अंबेडकर जयंती के दिन करोड़ों लोग इस देश दुनिया में सड़कों पर उतर कर रैलियां निकालते, शोभा यात्रा निकालते, जश्न मनाते। एक भी अखबार की कटिंग कहीं हो तो दिखा देना कि एक चींटी भी घायल हुई हो, और ये धर्म के नाम पर रैली निकालते और शाम तक वहां दंगा होता, हत्या होती। ये फर्क है तुम्हारे वाले आइडिया ऑफ इंडिया में और हमारे वाले आइडिया ऑफ इंडिया में। हम डॉक्टर अंबेडकर की बात इसलिए करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि न्याय होता हुआ दिखना चाहिए। अभी मेरे पास एक पर्ची आई है, मुझे नहीं पता किसने लिखा है कि भाई ये जो गोपालगंज के डीएम थे जी कृष्णैया, उनको भीड़ ने घेर करके मार दिया, और उस समय जिनके ऊपर आरोप लगा, जो जेल में बंद हुआ, जो गुनहगार साबित हुआ, अगर उसकी रिहाई होगी तो एक लाइन में हम इस रिहाई के खिलाफ खड़े हैं और हम इसका विरोध करते हैं। न्याय न्याय की बात की तरह होगा, और न्याय की बात ये कहती है, और इसीलिए मैंने डॉक्टर लोहिया को याद किया था, इशारे में वही बात मैं कह रहा था। डॉक्टर लोहिया अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम अगर वैचारिक लोग हैं तो हमें आलोचना करनी होगी उनकी भी और अपनी भी, लेकिन एक बात बस याद रखनी होगी, अपने वाले की आलोचना ऐसी न हो जाए कि उसका लाभ दूसरा उठा ले जाए। अगर खेत बचा रहेगा तो फसल का बंटवारा हम कर लेंगे, अगर खेत लूट गया ना तो फसल का बंटवारा संभव नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी की फेसबुक पोस्ट पर 100 में 99 पोस्ट अपने लोगों की आलोचना के साथ हो तो एक ये संघी फासिस्ट मनुवादी लोगों के साफ आलोचना में होनी चाहिए, मैं उसके 99 पोस्ट की आलोचना के साथ खड़ा हूं। आप इसलिए खतरा है, हमें दोनों से लड़ना है, हमें अपने वाले का भी ध्यान रखना है कि ये भी कोई गड़बड़ काम करेंगे तो इनकी आप आलोचना करनी है, लेकिन आप तो बिहार वालों आलोचना कर सकते हो और करो, करनी चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश में आकर के थोड़ा आलोचना करके दिखा दो बिहार और उत्तर प्रदेश का अंतर क्या है, ये अगर आप महसूस कर रहे हैं तो जाइए। मैं जानता हूं, मेरे पास रोज फोन आते हैं कि साहब हमारे पास दलित हैं, हम ओबीसी हैं, हम अहिर कुर्मी कोयरी हैं, जमीन कब्जा कर लिया और हमारा मुकदमा नहीं लिख रहा, वहां जा करके थप्पड़ मार के भगा दे रहे हैं गाली दे करके, और हमारे लोगों के ऊपर मुकदमा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जेल में इस समय कौन है? SC ST OBC। मैं नहीं चाहता हूं कि वैसा कोई मुख्यमंत्री आपके भी यहां बैठ जाए, लेकिन हाँ हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे लोग ऐसा काम करें जिस पर आपको सफाई देते भी ना बने। इसलिए सच्ची बात यह है, गलत को गलत कहेंगे, लेकिन आज हम एक और सच्चाई कहना चाहते हैं कि अगर 2024 में यही सरकार बन गई, साफ तौर पर मैं कह रहा हूं, पता लगाओ अंबेडकरवादियों कितनी परमिशन इस बार अंबेडकर जयंती की रद्द हुई थी, पता है कि नहीं?
उत्तर प्रदेश में आके देखिए, मेरे पास कम से कम 2 दर्जन परमिशन भेजी गई कि अंबेडकर जयंती मनाने की परमिशन मांगी थी, रद्द कर दिया। 2024 के बाद अंबेडकर जयंती मना पाएंगे या नहीं, असली खतरा ये है। अगर 2024 के बाद 2025 में उन्होंने अपना वाला भारत बना लिया तो हम आपस में शिकायत तो करते रह जाएंगे, और करनी भी चाहिए। जैसे मैं ओबीसी की शिकायत कर रहा हूं सामने खड़े होकर, कि ओबीसी में तमाम जातियों को एकजुट होकर के हमें एक बड़ी एका बनानी होगी। और बार बार क्यों हम जगदेव बाबू रामस्वरूप वर्मा की बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने 90% की बात की थी। बस हमारी नाक लंबी हो गई और दिल छोटा हो गया। जिन जातियों की जिम्मेदारी ज्यादा है, मेरे उत्तर प्रदेश में मैं बात बोलता हूं, आपके यहां आप अपने ढंग से जोड़िए, हमारे यहां 3 जातियां ओबीसी की ताकतवर हैं, अहीर, कुर्मी, कोयरी। आपके यहां कौन है मुझे नहीं पता, जोड़िएगा। मेरे मन में ख्याल आता है कि हम 3 जातियों के लोग अगर संख्या में ज्यादा हैं, आपने मौका ज्यादा उठाया है, आपके पास जिम्मेदारी भी ज्यादा है, 2 कदम पीछे आइए और एक सबसे पीछे खड़े अपने अति पिछड़े साथी को कंधे पर बिठाकर आगे खड़े करिए, तब जाकर के बड़ी एका बनेगी। मैं ये बात कबूल करता हूं कि हमने ओबीसी को एकता बनाने में नाकाम हासिल की, और यही काम शेड्यूल कास्ट में हुआ है। शेड्यूल कास्ट में भी जो जातियां संख्या में ज्यादा हैं, जिनके ज्यादा कर्मचारी हो गए हैं, अब उनकी भी जिम्मेदारी है कि 4 कदम पीछे उठ करके इस मंच को बनाइए। अभी ये निर्देश बहन अगर यहां न बैठी होती तो ये मंच केवल पुरुषों का मंच था। इस मंच पर एक पासवान, एक खटीक, एक वाल्मीकि और नीचे जाति के जितने लोग, नीची कहने का अर्थ नहीं है, देखो मेरी भाषा भी कितनी गड़बड़ है कि हमारी भाषा में भी कितना ऊंच नीच भर गया, अभी हमें तो इसे भी ठीक करना है। हम सारे लोगों में बहुत सारी कमियां हैं, हम अपनी भी कमियां दुरुस्त करेंगे और हम दूसरे के लिए भी आलोचना को स्वीकार करेंगे। मगर आखिरी बात, जाते आते वक्त बहुत हो गया, अंबेडकर जयंती मनाने का तकाजा ये है। वही बात है ना कि अगर टुकड़ों में बटे रहे, मैं किस्सा इस बार बहुत सुनाया, अंगूर खरीदने गया तो मेरे पिताजी को मैंने कहा कि ये अंगूर मैं 10 रुपये किलो खरीद के ले आया, कम पैसे में ज़्यादा अंगूर ले आया। बिजनेस करना अच्छा आता है, आशीर्वाद दीजिए प्रधानमंत्री बन जाएं, बिजनेस करके पूरा देश ही बेच दें, बोले ऐसे। मैंने, उन्होंने कहा कि दूसरा अंगूर कैसे था, मैंने कहा वो 20 रुपये किलो था, बहुत महंगा था। उन्होंने कहा क्यों महंगा था, मैंने कहा कुछ नहीं, देखने में वैसा ही था लेकिन गुच्छे में लगा हुआ था। उन्होंने कहा कुछ समझे, मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि अगर गुच्छे में रहोगे तो औकात ज्यादा रहेगी, अगर टुकड़ों में बिखर गए तो ऐसे ही औने पौने दाम पर खरीदे और बेचे जाओगे। आज हमारे लोगों में तमाम चीजें करने की जरूरत है, लेकिन एक काम करने की जरूरत है, किसी तरह वो गुच्छा न टूटे। भाई मारे सभी जाओगे, मैं अहिर जाति से आता हूं ना, ये सभागार में भी कुछ अहिर लोग होंगे ना, और अपने नाम पर बोल रहा हूं रिस्क लेते हुए। अहिर की संख्या ज्यादा होगी, थोड़ा धन संपत्ति होगी, जमीन होगी, तो हो सकता है कुछ दिन बाद नंबर आएगा, जो बेचारा कम है वो पहले मारा जाएगा, जैसे आज मुसलमान मारा जा रहा है। बताओ SC ST OBC संगठनों के लोग अगर दंगे के सामने आप और हम और आप खड़े होकर के दंगा नहीं रोक पाए, सांप्रदायिकता नहीं रोक पाए, तो हम कमजोर हैं अपने विचार की को लेकर। आज मुसलमान मारा जा रहा है, आज दलित में कमजोर जो सबसे पायदान पर है वो मारा जा रहा है, कल हम मारे जाएंगे। सबका नंबर आएगा, हम इस गुमान में ना रहे कि मेरी जाति बड़ी है, मेरी जाति के पास पैसा है, मेरी जाति उनकी जाति से तालमेल बना लेगी तो 2 मंत्री 3 विधायक बन जाएंगे, हम लोग बचे रहेंगे। बचेगा तो वही मंत्री और विधायक जो आपकी जाति का है, लेकिन आपकी जाति का हक अधिकार खत्म हो जाएगा। इसलिए बिहार के लोगों, आपकी सरकार, आपके वैचारिक लोगों की, फिर भी मैं एक बात कहके जा रहा हूं, पूरे बिहार में जन आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है, जाति जनगणना और सामाजिक न्याय का आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है, ताकि बिहार की सरकार पर भी आप दबाव बनाइए और दिल्ली में ऐसी सरकार चुनिए जिस पर दबाव बना के अपने मन मुताबिक काम कर सके। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहीं ऐसा न हो कि तो हम सबकी आपसी लड़ाई का फायदा वही उठा ले जाए जिसका एक दूत अभी बाबा बनकर आया है पटना में रैली करने। किस्मत बताएगा, टीवी पर बैठकर लोग चमत्कार घोषित करेंगे, और ये मीडिया के लोग हैं, मैं तो आज भी कह रहा हूं कि असली मीडिया तो ये यूट्यूब चैनल है भाई, ये जितने भी लोग हैं ये यूट्यूब चैनल वाले ये असली मीडिया हैं। आप इनमें देखेंगे 99.9999% हमारे आपके बच्चों की शिक्षा, रोजगार, उनके आत्मसम्मान की खबरें यहां पर हैं।
और हम इनको सब्सक्राइब नहीं करते, इनको मजबूत नहीं करते, इनको चंदा नहीं देते। और एगो बाबा आएगा, देखिएगा करोड़ों रुपया चंदा लेकर के हमारे और आपके घर से लेकर चला जाएगा। शिक्षा, रोजगार, स्वाभिमान, इसकी बात नहीं करके पटना के अखबार में कल पढ़िएगा, वो आज ही ये बात कहकर जाएगा कि इसे अखंड भारत बनाना और हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये भारत के संविधान की हत्या है, और ऐसे हत्या करने वाले लोगों को हम सिरे से खारिज करते हैं, तब हम कहेंगे कि हम बिरसा, फूले, अम्बेडकर और पेरियार के वारिस हैं। जो संविधान को ज़हन में रखते हैं तभी जाकर के हम इस मुल्क को बचा पाएंगे। क्योंकि आज अगर डॉक्टर अम्बेडकर होते तो ऐसे बाबाओं के खिलाफ इससे बड़ी रैली, अरे बाबा साहब अंबेडकर तक को उनके लोगों के नहीं, उनके लोगों को उन्हीं के खिलाफ खड़ा कर दिया गया था। बाबा साहब हिम्मत नहीं हारे, हमारे लोगों को कुल्हाड़ी की लकड़ियों के सामने रखकर जंगल को दिखाया जाएगा कि जंगल की लकड़ियों कुल्हाड़ी का साथ दो, क्योंकि इस कुल्हाड़ी में मूठ तुम्हारी जाति की तो लगी है। तुम्हारे जाति का प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे, अगली बार मुख्यमंत्री तुम्हारे जाति का बना देंगे, अगली बार सांसद विधायक तुम्हारे जाति का बना देंगे, और हमारा वोट लेकर के वो सारे लोग मान्यवर कांशीराम की भाषा में चमचे बनके उनके यहाँ बैठे हुए हैं, और हमारे लोग आज शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाने का अर्थ मेरे लिए डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को लेकर लड़ना और इस सवाल का जवाब ढूंढना है कि 2023-24 में डॉक्टर अम्बेडकर होते, ज्योतिबा फूले होते, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार होते, बीपी मंडल होते, कांशीराम होते, राम मनोहर लोहिया होते, तो वो कौन सी लड़ाई लड़ रहे होते। मेरा मानना है कि वो शिक्षा बचाने की, रोजगार बचाने की, सरकारीकरण करने की, निजीकरण के खिलाफ, पूरे देश को बेचने के खिलाफ, जगह जमीन को बेचने के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ, इस देश को मोहब्बत का पाठ पढ़ाने के लिए एकजुट करने की लड़ाई लड़ रहे होते। अगर हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम अंबेडकर, फूले, पेरियार के वारिस हैं। अगर हम ये लड़ाई नहीं लड़ रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जयंतियों में मूर्ति बना करके कल को आरएसएस सबसे बड़ी मूर्ति बाबा साहब की बना दे और उसमें हमारे लोगों का वोट लेके चला जाए। हम वैचारिक लोग जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर किसी मूर्ति में नहीं, अपने कलम और किताब में हैं। चाकू तेज करने वाले लोग आपके हाथ से कलम और किताब छीन चुके हैं। मैं विश्वविद्यालय का एक एडहॉक व्यक्ति, जिसकी नौकरी आज है कल नहीं रहेगी, फिर भी मैं ये बात कह के जा रहा हूँ, हमारे पुरखों के हाथ में कोई चाकू तलवार नहीं थी, उनके हाथ में कलम और किताब थी, वो हमें कलम और किताब सौंप कर गए। आप सरकारी कर्मचारी हो, मैं सरकारी विश्वविद्यालय का व्यक्ति हूँ, हम पढ़े लिखे लोग अगर कलम और किताब नहीं बचा पाए तो जो ठीक इसी समय सड़क पर पत्थर तोड़ रहा है, जो खेत में मजदूरी कर रहा है, हम उसको क्या दोष देंगे, वो कथा सुनने जाएगा। यानी नाकामी हमारी है। आइए मिल करके इस देश में एक जन आंदोलन खड़ा करें, जाति जनगणना, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आ गया भाई 10%, 60% रिजर्वेशन हो गया है। अगर इस देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है तो घोषणा करे कि 52% आबादी को 52% रिजर्वेशन देंगे, और ओबीसी कम्युनिटी के जितने नेता हैं उनको पूरे देश में एक मांग करनी चाहिए कि 27% रिजर्वेशन को बढ़ाकर 52 किया जाए, और जो 15% रिजर्वेशन बढ़ेगा ओबीसी का, वो सारा रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड कम्युनिटी में जो अति पिछड़े समुदाय के लोग हैं उनको मिलेगा। अपने आप देखिए आपकी एकता बन जाएगी। थोड़ा दिल बड़ा करना होगा और जो पीछे रह गए उनको अपने से आगे खड़ा करें, और तमाम लोग जो ताकतवर हैं अपनी ताकत बहुत बार होता है कमज़ोर पर दिखाते हैं। आइए हम कम सारे लोग मिल करके, सम्राट अशोक के वंशज हैं ना, तो दावा करते हैं कि 2024 तक घर घर एक जन आंदोलन खड़ा करिए कि 24 में ऐसे लोग सरकार में दोबारा न बैठे जो संविधान को हटाकर मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। अगर ये नहीं रुक पाए तो माफ करिएगा हमारे इतनी जयंतियों को मनाने का। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।